फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एग्ज़ाम 2024 के बारे में, और बात करेंगे कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है और मेंस की एग्ज़ाम का डेट क्या हो सकता है आपका। इन सब डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपना स्कोर बता देता हूँ। मेरा जो एसएससी जेई मैकेनिकल में इस बार स्कोर है वो है 164.75। ठीक है, तो इस स्कोर के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप लोग एसएससी 2024 मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच से हैं तो उसका क्या कट ऑफ रह सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपका जो मैकेनिकल ब्रांच का जो एग्ज़ाम हुआ है वो टोटल 2 शिफ्ट में हुआ है, और यहीं पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें तो ये 3 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ है। और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे इसके बारे में बात कर लें, तो इस बार जो आपका पहले क्वेश्चन पूछा जाता था उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 20-30% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से होते थे, प्रीवियस ईयर एसएससी जेई एग्ज़ाम से पूछे जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, आपका ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेई में। एसएससी जेई में इलेक्ट्रिकल बात करें, मैकेनिकल की बात करें, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे लेकिन ट्रिकी थे। जो लोग डीपली पढ़ के गए होंगे उनका पेपर जो है अच्छा गया होगा। ये भी बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं थे और नए क्वेश्चन बनाए गए थे। नए क्वेश्चन एसएससी जो है अपने क्वेश्चंस को रिपीट पहले करता था, लेकिन इस बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये तो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और अगर हम पहले की कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल लगभग 131 के आसपास कट ऑफ था। तो आप लोगों ने अपना स्कोर चेक ही कर लिया होगा, आंसर की आ चुका है तमाम, जो आप लोग अपना रैंक ओवरऑल रैंक देख लिए होंगे। और इसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ की मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपका जो था वो 131.45 था जनरल कैटेगरी का। यहीं पर ओबीसी का कट ऑफ कितना था, 131.45। और आजकल बात करूं तो एसएससी जेई चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जिसमें जनरल और ओबीसी का कट ऑफ सेम रहता है। और यही बात करें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के भी कट ऑफ सेम रहते हैं। यहीं पर ईडब्ल्यूएस का कितना था, 125.37 था, और एससी कैटेगरी का कट ऑफ था 116। तो इस बार 2024 में आपका क्या डिफरेंट हुआ है, पेपर थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन एक मैटर क्या था कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे उसमें आप अगर अच्छी तैयारी रहे या ना रहे फिर भी आप 45 के आसपास तो क्वेश्चंस करने ही वाले थे। मेरे खुद कितने 48 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे और 48 टोटल सही थे। ठीक है, एक भी रीजनिंग का क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ था। यहीं पर मैं बात करूँ टेक्निकल क्वेश्चन जो ट्रिकी पूछे गए थे, तो टेक्निकल क्वेश्चंस में मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में बच्चे स्कोर किए हैं 60 के आसपास ज़्यादा बच्चे हैं, बट मेरा जो स्कोर था 79.25 था। ठीक है, तो ये बात करें हम टेक्निकल की, टेक्निकल ट्रिकी क्वेश्चंस थे, इसमें लोग कम स्कोर किए हैं। यहीं पे बात करें जीके जीएस, वो भी प्रीवियस ईयर के हिसाब से कुछ मॉडरेट टू लो लेवल का पूछा गया था। इसमें जो मेरा स्कोर है वो 37.50 के आसपास है। ठीक है, तो टोटल 164.75 मैंने स्कोर किया है एसएससी जेई मैकेनिकल में। अब बात करेंगे आज की कट ऑफ के बारे में, तो जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, 135 ± 2 मार्क्स आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये कई चैनल से मैंने कट ऑफ की एनालिसिस देख के, उनके डेटा को एनालिसिस करके, पोल्स उनके द्वारा जो करवाया गया था, लगभग 4000 कैंडिडेट ने उस पोल में पार्टिसिपेट किया है, तो उन सारे स्कोर को देखते हुए इतना कट ऑफ जो है डिसाइड किया गया कि अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ जो जा सकता है 135 ± 2 जा सकता है। यहीं पर ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी का भी कट ऑफ इतना ही रहता है, जनरल ओबीसी का जनरली कट ऑफ सेम ही रहता है। यहीं पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो ये रह सकता है 130 के आसपास ±2, 130 ± 2। अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाएं, और मेंस के में आपका जो रिजल्ट आता है उसके बाद 15 से 20 दिन का ही टाइम आपको मिलता है मेंस के लिए, तो प्रिपरेशन में आप लोग लग जाइए। और यहीं पे बात करें हम एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी वाले अगर आप लोगों का स्कोर आ रहा है 121 के आसपास, ठीक है, 121 ± 2 अगर आ रहा है एससी कैटेगरी का, यहीं पर 118 ± 2 एससी कैटेगरी वालों का कट ऑफ जा सकता है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कट ऑफ इस साल रहने वाला है। तो अगर आप लोगों का स्कोर इतना आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मेंस के लिए आपको क्या करना है, मेंस के लिए आपको ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। अगर एसएससी जेई मेंस
के प्रीवियस ईयर पिछले साल जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस की आप लोग एनालिसिस कर लेंगे तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये सारे डिटेल हम लोग इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना था। और ये जो है मेरा अभी तो रैंक 1 दिखा रहा है। और ऐसे ही अच्छी प्रिपरेशन के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।